हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत और गाना के बीच में खेले गए T20 मैच की। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बारबाडोस की टीम को 100 रनों से हरा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। स्मृति मरदाना का विकेट जल्दी खोने के बाद शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स के बीच में 76 रन की साझेदारी हुई। शेफाली वर्मा 43 के स्कोर पर रन आउट हुई और इसके बाद एक बार फिर से भारतीय पारी लड़खड़ा गई, पर जेमिमा रॉड्रिक्स और दीप्ति शर्मा ने अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 160 रन तक पहुंचा दिया। जेमिमा 56 रन बना के नाबाद लौटी। रनों का पीछा करते हुए बारबाडोस की टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। बारबाडोस की टीम निर्धारित 20 ओवरों में मात्र 80 रन बना पाई 8 विकेट के नुकसान पे। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने 4 विकेट लिए। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 4 विकेट झटके थे। भारतीय क्रिकेट टीम अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पे रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पे काबिज रही। पाकिस्तान और बारबाडोस की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।